भदोही खमरिया से नेहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। बेरहम आग ने जलाकर खाक कर दिया सपनों का आशियाना। उगापुर औराई थाने के अंतर्गत ग्राम सभा दवनपुर में बीती रात एक घर में आग लग गई। बता दे कि जड़ावती देवी पत्नी आशाराम पाल आयु करीब 65 वर्ष हर रात्रि की भांति इस रात्रि भी भोजन ग्रहण कर शयन करने चले गए। जैसे ही वो गहरी नींद में पहुंचे ही थे कि अचानक शोर शराबा सुनाई दिया। जब तक पति पत्नी नींद से बाहर आकर कुछ समझ पाते, आग ने उनके आशियाने को बुरी तरह से अपने गिरफ्त में ले चुका था। जैसे तैसे आशाराम और उनकी पत्नी को लोगों की मदद से उस जलते घर से बाहर निकाला गया। शायद किसी ने सच ही कहा था, जाको राखे साया मार सके न कोई। फिर पास पड़ोस के लोगों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग को बुझाने में सफलता अर्जित किया। लोगों ने बताया कि ठंडी के मौसम में वो भी बारिश हो रही हो, बावजूद इसके इतनी खतरनाक आग शायद पहली बार देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग बड़ी ही भयावह थी। अगर यह आग गर्मी के दिनों में लगी होती तो बहुत कुछ बर्बाद हो गया होता, लेकिन यहाँ तो जड़ूती देवी और उनके पति का तो आशियाना ही जलकर खाक हो गया। जिसका दर्द बयां करते हुए उनकी बूढ़ी आंखें छलक आई। उन्होंने कहा कि अब हम कहाँ जाए, क्या खाएं, कुछ समझ नहीं आता। विडंबना का विषय यह है कि स्वतंत्र भारत के बाद से आज तक भारत से गरीबी हटाने का कार्य कर हो रहा है, किंतु आज भी घर गांव में कुछ इस तरह के आदिवासी निवासी मिलेंगे जिनको आज तक उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी कपड़ा मकान से वंचित रहना पड़ा है। शर्माती है ऐसे झूठे ठेकेदारों पर, राजनीतिक दलों पर जो सिर्फ झूठे वादे और अपनी तिजोरी भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक और राज्य सरकार दावा कर रही है कि उनकी सरकार ने गरीबों को आवास दिया है। अगर सरकार की बात सच है तो यह क्या है जो एक अबूझ पहेली बनकर आपके सामने आया है। कारण जो भी हो, आज एक वृद्ध अपनी पत्नी के साथ बेघर हो गया, अर्धजले मकान पर तरपाल की आंध में जीवन यापन करने पर मजबूर है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संबंधित विभाग कब तक गहरी नींद से जागकर अपने कार्य के प्रति सक्रिय होता है। माता जी, क्या नाम है आपका? पति का क्या नाम है? आशाराम। आज आपके घर में आग लगी थी रात में? कैसे लगी आपको मालूम? मालूम भैया यह कि खाना सब बना के गए और पता नहीं कहाँ से आग छूट गई, कैसे आग लग गई मालूम नहीं। एक ही घर है आपके पास? हाँ, एक ही घर है, यही जो सामने दिख रहा है। बस यही है। तो कितना नुकसान हुआ है? अरे भैया, हमारे दाल रहा, अरे चावल रहा, धान रहा, गेहूँ रहा, सब कपड़ा और ना सब गिर गया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है, यहाँ से हम लोग देख भी रहे हैं कि उसी में आप लोग रहते भी थे, खाना भी पहले आप लोग खाना बनाते थे, फिर उसी में सोते भी थे। सोते सब उसी में भैया, मतलब गृहस्थी का सारा सामान उसी में था। सब वहीं रहा। प्रधान या लेखपाल कोई आया आपके यहाँ? कोई नहीं भैया। आपने किसी को सूचना दिया? अब है हम के मालूम नहीं। प्रधान को आपने सूचित नहीं किया? प्रधान आया था। आए थे? लेखपाल आया था? लेखपाल भी नहीं आया। तो आप लोग अब कैसे रहेंगे? अब भैया कैसे बताई, कैसे रहे, गरीब आदमी कैसे हमारा गुजारा हुई थी। देखा जा रहा है कि उसी के ऊपर आप लोग तिरपाल डाले हुए हैं। और जो ऊपर से मोटी मोटी लकड़ियां थी वो छटक चुकी हैं, जल चुकी हैं, कभी भी गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। आप लोग कैसे रहेंगे? कैसे बताए भैया, जैसे भगवान कहीं वैसे रहा।